सो गाइस, आज हमारे सामने खड़ी है 12.5 लाख वाली हुंडई क्रेटा, आपका सबसे बेस वेरिएंट, जो कि आप ब्लैक कलर में भी देख पाओगे। और अच्छी बात यह है कि आपका डीजल वेरिएंट है, इसमें आपको पेट्रोल वाला भी वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इस गाड़ी का डिटेल्ड ऑलराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। इस गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या बेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे। और जो फीचर्स इसमें दिया गया है उसे मैं देख के 100% शॉक हो गया हूँ, क्योंकि फीचर्स बेस मॉडल में इतना कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, उसके बावजूद भी हुंडई ने इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स को आपको एड ऑन किया है। और साथ साथ आप क्या क्या एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो, जिससे एक गाड़ी है जो कि आपका टॉप मॉडल बन के रेडी हो जाएगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट फेस ही देख पाओगे, जो कि आपको कितना ही ज्यादा ब्रॉड देखने को मिलता है। बेस मॉडल है, बीचों बीच आपको यहाँ पे हुंडई का लोगो मिल जाएगा, जो कि आपको साटन फिनिश के साथ दिया गया है। और ये जो आप यहाँ पे ग्रिल देख रहे हो, यहाँ पे आपको कहीं भी क्रोम के यूज नहीं मिलेंगे। जो टॉप मॉडल आता है उस जगह पे आपको यहाँ पे टोटली कनेक्टेड में लाइट मिलता है, बट अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको क्रोम का यूज दे दिया गया है। आगे में आपको कोई भी कैमरा नहीं दिया गया और ना ही आपको कोई भी पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। नीचे वाला ग्रिल देखोगे, ये भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, मैट ब्लैक कलर में दिया गया है। और जो स्किप प्लेट है, जो कि आपको टोटली सिल्वर कलर में देखने को मिल जाएंगे, जिससे जो आगे का बोल्डनेस है वो आपको अच्छा मिल जाता है। और जो रोड प्रेजेंस है वो भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। इस जगह पे आपको गाड़ी को टो करने के लिए जगह दिया गया है। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे, ऊपर में आपको यहाँ पे स्प्लिट में 2 पीस DRL लाइट देखने को मिल जाएगा। और ये जो डिजाइन है, जो कि आपको सेम टॉप मॉडल वाला ही मिलता है, बट इंडिकेटर इसमें दिया गया है, जो कि आपको बल्ब के साथ देखने को मिल जाएगा। नीचे में आओगे, यहाँ पे आपको टोटली स्क्वायर शेप में आपको हेडलाइट सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट दिया गया हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेंगे। और नीचे में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट दिया गया, ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही दिए गए हैं। फ्रंट से बस आप यही चीज चेंज करा लो और यहाँ पे आप कनेक्टेड लाइट लगा लो, ये गाड़ी है जो कि आपको टोटली टॉप मॉडल बन के रेडी हो जाएगी। साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो यहाँ पे आप इसका टायर देख सकते हो, इसमें आपको कहीं भी एलॉय व्हील नहीं देखने को मिलेंगे, बट अच्छी बात यह है कि कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे व्हील कैप देखने को मिल जाता है। अपोलो कंपनी की तरफ से आपको टायर मिलता है, और जो टायर का साइज है, जो कि आप यहाँ से देखोगे, जो कि आपको 205/65R16 16 इंचेस के आपको यहाँ पे स्टील रिम देखने को मिल जाते हैं। आपको चारों ही चक्के में आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आओगे तो ये आप पार्ट देख सकते हो, जो कि आपको टोटली क्लाइडिंग रफ ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ पे आपको एक डिसएडवांटेज इस गाड़ी का यही मिलेगा कि इसका जो इंडिकेटर है, जो कि आपको फेंडर पे माउंट किया गया है, शायद आपको यहाँ पे ORBM पे दे देती तो और भी ज्यादा बेटर हो जाती, बट कोई नहीं, इसे आप आफ्टर मार्केट आराम से चेंज करा सकते हो। और जो ORBM दिया गया है, जो कि आपको बॉडी कलर में ही मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक कलर का दिया गया है, और नीचे में आपको यहाँ पे रफ ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी आप उदास होने वाले हो, क्योंकि ये जो है ORBM आप अंदर से ही मैनुअली एडजस्ट कर पाओगे। डोर हैंडल आप यहाँ पे देखोगे, जो कि आपको टोटली बॉडी कलर में मिल जाएगा, बेस मॉडल है, जिस वजह से आपको यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिए गए, आपको यहाँ पे मैनुअल की देखने को मिलेगा। बी पिलर आप यहाँ पे देखोगे, ये भी आपको टोटली ब्लैक कलर में दिए गए। और ये जो आप यहाँ पे पट्टी देख सकते हो, जो कि आपको ग्रे कलर में दिया गया, जिससे जो साइड है वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे डिजाइन में देखने को मिल जाएगा। ऊपर की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको कहीं भी रूफ रेल्स देखने को नहीं मिलता है, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना दिया गया। और ये आप स्पॉयलर भी देखोगे, जो कि आपको पहले से ही मिल जाता है, जिसे रियर का जो व्यू है वो भी आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा। आपका बेस मॉडल है, तो यहाँ पे आपको कोई भी वाइपर नहीं दिया गया, ना ही आपको वाशर दिया गया है, और ना ही आपको यहाँ पे डिफॉगर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप टेल लैंप देखोगे, जो कि आपको कनेक्टेड में ही देखने को मिलता है, टॉप मॉडल वाले जैसा ही हल्का सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, और जब आप ब्रेक को दबाओगे तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग लाइट के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बीचों बीच में आपको यहाँ पे हुंडई का लोगो मिल जाएगा, जो कि आपको अंदर से माउंट किया गया है। नीचे वाला ए पार्ट देखोगे, जो कि आपको टोटली सिल्वर कलर में दिए गए। यहाँ पे आपको क्रेटा को मेंशन किया गया है, जो कि आपको टोटली साटन फिनिश के साथ देखने को मिलता है। जो वेरिएंट है बेस मॉडल ई वेरिएंट, वो आपको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, बट अच्छी बात यह है कि रियर में आपको यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है। और ये जो आप लाइट देख रहे हो, जो कि आपको रिवर्स लैम्प के लिए आपको यहाँ पर जगह दिया गया है, और इस जगह पर आपको रेड कलर में रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। अब मैं इस गाड़ी का बूट स्पेस को आपको चेकआउट कराऊँ, तो आप यहाँ पर देखोगे आपको एक बटन मिलता है, इसे आप जैसे ही ऊपर की ओर आओगे तो आपको ऑटोमेटिक खुल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टड्स देखने को मिलते हैं।
और नीचे में आप यहाँ पे इसका बूट स्पेस देखोगे जो कि आपको 433 लीटर के आपको बूट स्पेस दिए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा बूट स्पेस मिलता है और यहाँ पे आपको कुछ टूल किट दिए गए और इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलता है और ये जो साइज़ है जो कि आपको सेम साइज़ के ही देखने को मिल जाएंगे। और बेस मॉडल की वजह से आपको रियर में कोई भी लाइट नहीं मिलता है और साथ साथ आपको पार्सल ट्रे भी नहीं दिए गए। बट अच्छी बात यह है कि जो सीट है जो कि आप 60-40 में आप स्प्लिट भी कर पाओगे जिससे जो बूट स्पेस है वो अपने हिसाब से और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। रियर का जो हेडरेस्ट दिया गया जो कि आपको दोनों ही एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। और अभी गाइस देख सकते हो जो कि मैं इसके रियर सीट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे तीन आदमी आप आराम से बैठ सकते हो और तीनों ही आदमी के लिए आपको अलग अलग सीट बेल्ट देखने को मिल जाएगा। सीट जो दिया गया जो कि आपको टोटली फैब्रिक में देखने को मिलता है, आपको डुअल टोन कलर के यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे देखोगे बीचों बीच में तो आपको आर्मरेस्ट के भी ऑप्शन दिए गए जहाँ कि आपको दो कप होल्डर भी दिया गया है। बेस मॉडल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ऊपर की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको टोटल कैबिन में एक ही लाइट देखने को मिलता है जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलेंगे। तो इधर आपको यहाँ पे पकड़ने के लिए जगह दिया गया है। और नीचे में आओगे तो यहाँ से आप शॉक होने वाले हो क्योंकि बेस मॉडल में आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जा रहा है। इसके चारों यहाँ पर आपको क्रोम के यूज़ भी मिल जा रहे हैं। साथ साथ आपको यहाँ पर दो टाइप सी चार्जिंग के सॉकेट भी दिए गए हैं। आपको मोबाइल रखने के लिए आपको यहाँ पर डिसेंट सा स्पेस मिल जाएगा और जो बीच वाला हम्प है वो आपको बहुत ही ज़्यादा कम रखा गया है जिससे जो बीच वाला आदमी बैठेगा उससे एज सच आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सीट के जस्ट पीछे आओगे तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड तो आपको मैगजीन होल्डर रखने के लिए जगह मिल जाता है बट ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं देखने को मिलेंगे। और गाइस अब मैं ड्राइवर सीट पे चलूँ तो सबसे पहले आप इसका डोर ट्रिम देखोगे, ये भी आपको डुअल शेड में देखने को मिलता है। एक तो आपको ग्रे कलर और इधर आपको देखोगे ये भी आपको ग्रे दिया गया है बट आपको डार्क ग्रे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप पावर विंडो का चारों ही कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे जगह दिया गया है और इसमें आपको चाइल्ड लॉक करने के लिए भी बटन देखने को मिलता है। इनसाइड डोर हैंडल जो दिया गया जो कि आपको टोटली मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे। नीचे की ओर आओगे तो इसमें आपको कोई भी स्पीकर नहीं मिलता बट आफ्टर मार्केट आप यहां पे लगा पाओगे। नीचे में आपको बोतल होल्डर, आपको यहां पे अम्ब्रेला होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। और ड्राइवर सीट पे आओगे तो इसका जो सीट है जो कि आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मतलब कि आप हाइट बढ़ा भी सकते हो और ये जो पीछे वाला है इससे आप रिक्लाइन और इनक्लाइन भी इजिली कर पाओगे और जो सीट है उसे आप यहाँ से आगे पीछे भी इजिली कर पाओगे। इस जगह पे आपको फ्यूल कैप ओपन करने के लिए जगह दिया गया है जहाँ कि आपको 50 लीटर के टैंक कैपेसिटी मिल जाएंगे। इस साइड आओगे तो इस जगह पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, साथ साथ आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए जगह दिया गया है और ये जो आप देख रहे हो जो कि आपको हेडलाइट लेवलर के आपको कंट्रोल मिल जाएंगे। की आप यहाँ पे देखोगे जो कि आपको रिमोट की देखने को मिल जाता है बट इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप के बटन नहीं मिलते हैं, आपको यहाँ पे मैनुअली ही इंसर्ट करके आपको गाड़ी को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। और गाइज अभी मैं इसके इंटीरियर पे आ चुका हूँ और यहाँ से आप 100% शॉक होने वाले हो क्योंकि इसका जो स्टेयरिंग मिलता है जो कि आपको डी कट में देखने को मिलेगा, पहली बात आपको लेदर रेप तो नहीं देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको इस साइड कोई भी कंट्रोल नहीं दिए गए हैं। इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे आपको हल्के से ग्लॉसी ग्रे कलर के यूज़ देखने को मिलेंगे। बीचों बीच आपको हुंडई का लोगो और इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। यहाँ से आप इसका हॉर्न भी सुन पाओगे। और इस जगह पे आपको मैंने एक चीज़ बताया कि इसका जो स्टेयरिंग है जो कि आपको टिल्ट एडजस्टेबल के साथ मिलता है और साथ साथ ये आपको टेलीस्कोपिक दिया गया है। मतलब कि बेस मॉडल में इतना कुछ कौन गाड़ी देता आप बताओ तो जरा कमेंट करके हमें। और इधर जो कंट्रोल दिया गया जो कि इसका MID है उसे कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बटन देखने को मिल जाएंगे। इधर आपको हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए और इधर आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। और आप MID यहाँ से देख सकते हो जो कि आपको फुल्ली डिजिटल में ही देखने को मिलता है। जो डोर ओपन है पीछे वाला वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। राइट साइड आप देखोगे जहाँ कि आपको टैकोमीटर दिखाने वाला है, लेफ्ट साइड आपको स्पीडोमीटर मिल जाएंगे और नीचे में आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा। टेम्परेचर क्या है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है और कितना आप किलोमीटर चले वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इधर आपको इंजन का क्या टेम्परेचर है और आउटसाइड और इनसाइड का जो भी टेम्परेचर वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंजन मल फंक्शन देखने को मिल जाएगा, बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है और सीट बेल्ट का जो भी वार्निंग है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और ऊपर में आप देखोगे जहाँ कि आपको रेंज के भी ऑप्शन मिलते हैं और इस वाले बटन को जब आप दबाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ कि आपको यूरिया का क्या लेवल है वो भी आपको शो कर रहा है। साथ साथ एक बार और प्रेस करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हो जहाँ कि आपको करंट ट्रिप भी दिखाने वाला है। ऊपर में आपको ऑटो स्टॉप के बटन मिल जाएंगे। नीचे की ओर आओगे जहाँ कि आपको सिंस रिफ्यूलिंग आपने कब कराया वो आपको यहाँ पे शो कर जाता है, सिंस लास्ट रीसेट आपने कब किया वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे ऑटो स्टॉप के बटन देखने को मिलेंगे। यूजर सेटिंग पे जाओगे जहाँ कि आपको ड्राइवर असिस्टेंस मिल जाएगा, क्लस्टर मिल जाएगा, लाइट्स के ऑप्शन मिलेंगे, डोर दिया गया, यहाँ पे आपको कन्वीनियंस देखने को मिलेगा, यूनिट दिया गया और यहाँ पे आपको लैंग्वेज और सबसे नीचे आपको यहाँ पे रीसेट देखने को मिलता है। एक चीज और आपको यहाँ पे दिया गया बेस मॉडल में जो कि आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीचर्स है। और आपको बेस मॉडल में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे जो कि आपको यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है।
इंटीरियर में देखा जाए बस आप इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा लो बाहर से और आप कुछ भी अपडेट ना करो उसके बावजूद भी आपको अच्छा फील होने वाला है। ऊपर में आपको यहाँ पे सब बूफर लगाने के लिए जगह मिल जाता है। ए पार्ट है जो कि आपको टोटली ग्रे कलर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको हल्के से गोल्डन कलर के यूज़ देखने को मिल जाता है। एसी वेंट्स का आपको यहाँ पे जगह दिया गया है। ये आपको हजार लाइट का बटन दिया गया है और इसमें आपको मैनुअल एसी ही देखने को मिलता है। उसके लिए आपको यहाँ पे हर एक कुछ कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। नीचे में आप देख सकते हो जहाँ की आपको टाइप सी चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। बीचों बीच आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है जो कि आपको 180 वाट को भी सपोर्ट करने वाला है। और इधर आपको यहाँ पे डमी बटन देखने को मिल जाएंगे। इस जगह पे आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है जहाँ की आप अपने मोबाइल को इजिली कैरी कर पाओगे। 6 गियर का इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा और रिवर्स गियर भी आपको यहीं पे दिया गया है। इस जगह पे आपको टोटली देखोगे आपको लेदरेट के यूज देखने को मिलेंगे। इसके चारों ओर आपको यहाँ पे साटन फिनिश का यूज मिल जाता है। ए पार्ट देखोगे जहाँ की आपको 2 कप होल्डर दिए गए और ये आपको मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और बेस मॉडल में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी देखने को मिलते हैं जो कि आपको सॉफ्ट टच के साथ दिया गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके नीचे आपको यहाँ पे डिसेंट सा स्पेस मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है, उतना ज़्यादा नहीं मिलता बट आप छोटे मोटे सामान आप यहाँ पे इजिली कैरी कर सकते हो। जस्ट ऊपर की ओर आओगे तो को ड्राइवर साइड तो आप यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिए गए और टिकट होल्डर भी आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। बट ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर के ऑप्शन दिए गए हैं। ORBM आप यहाँ पे देख पाओगे जो कि आपको मैनुअली ही एडजस्टेबल के फंक्शन के साथ देखने को मिलता है। और इधर भी आपको यहाँ पे पकड़ने के लिए जगह देखने को मिल जाएगा। तो मैंने कहा इस गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर में आपको जो जो बेस्ट फीचर्स है वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। और अब इस गाड़ी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इसका इंजन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो आपको इंजन दिया गया है जो कि आपको 1.5 लीटर का आपको डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल इंजन के भी ऑप्शन दिए गए जो कि आपको 4 सिलेंडर के साथ देखने को मिलता है जो कि आपको 113 BHP का पावर, 250 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क देने वाली है। बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे टॉर्क देखने को मिलता है और आपको डीजल इंजन मिलता है जिससे जो इनिशियल पावर मिलते हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। माइलेज अप्रॉक्स आप इस गाड़ी से देखा जाए तो 15 से 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से निकाल पाओगे। और इसमें जो सेफ्टी फीचर्स दिया गया जो कि आपको इसमें ESP मिल जाएगा, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा और 6 एयरबैग इसमें आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं। और गाइज लास्ट में आपको इस गाड़ी का आपको एक्स शोरूम प्राइस और आपको ऑन रोड प्राइस बताता हूँ। अभी फिलहाल देखा जाए जो कि मैं फेयर डील हुंडई रांची पे हूँ और यहाँ का इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है जो कि आपको 14,33,000 रुपीज रखा गया है और जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है जो कि आपको 12,55,000 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने कहा जी इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रिव्यू में वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन होता तब बस आप कमेंट करके पूछ पाओगे और साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।